जी नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। तो आप जितने भी साथी हैं जल्दी से आ जाएं हमारे। जी हाँ बिल्कुल आ जाएं, शीघ्र अति शीघ्र जल्दी से आएं। आइए भाई आप सभी लोग। ठीक है, चलिए भाई आ जाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बच्चों भाई आते ही आप लोगों को करना है वो क्या काम कि इस क्लास को आप लोग शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे हमसे जुड़ जाएं। ठीक है जी, आ जाइए जल्दी से। ठीक है चलो जी। चलिए साहब तो इस क्लास को बढ़ाते हैं। तो बच्चों ये क्लास बढ़ाएं उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर बेटा देखिए आप लोगों के लिए जो ऑफर था, आप लोग ये टाइमर भी देख रहे होंगे साथ में, तो आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जामपुर का जो दिवाली धमाका ऑफर था तो बेटा इसको जो है थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ही जी, तो इसको बेटा एक्सटेंड किया गया। लेकिन 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 आप लोग जो टाइमर देख रहे हैं बेटा उस टाइमर पे भी जरा ध्यान दें। यहाँ आप लोगों को टाइमर नजर आ रहा है 6 घंटे 58 मिनट, धीरे धीरे 57 मिनट, तो ये बेटा टाइम लगा हुआ है। तो बहुत ही शीघ्रता से ये समय समाप्त होता जा रहा है, तो जल्दी से आए। हाँ जी शुभम कुमार नमस्कार, शिवानी रजिया, जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नाहिद। चलिए तो बच्चों इसको जरूर ध्यान में रखें कि ये जो समय बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है, आप वही सभी लोग इस ऑफर का लाभ उठाएं। दिवाली 75 इस कोड को इस्तेमाल करें। ठीक है, सीटेट पेपर 2, सीटेट पेपर 1, क्रांति बैच, NVS 2022 जनरल पेपर बैच और UPLT ग्रेड, सुपर टेट, सफलता, संगम, VOD बैच, NVS बैच, बेटा बहुत ऑफर है, ये आज ही आज है, याद रखिएगा। ठीक है चलो जी फिर बढ़ते हैं। बाकी ये किताब है बेटा, इसे आप ले सकते हैं और एप्लीकेशन हमारा जरूर डाउनलोड करें, बहुत फायदेमंद है, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और बेटा अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो किसी प्रकार की अगर सहायता चाहिए तो ये कॉलिंग नंबर है और बेटा ये व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है। ठीक, तो ये थोड़ा सा रहा प्रचार, जरूरी भी है। और ये रहा आपके लिए पहला सवाल, बताएं भाई ये क्या होगा इसका सही जवाब। ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन और इसका आप लोगों को देना है जवाब, बताएं भाई। पहला सवाल है कैंपोस, बताएं भाई। गुड इवनिंग, और इस टाइमर को ध्यान में रखें। चलो जी जल्दी से आ जाएं, जितने भी हमारे साथी हैं फटाफट आए। भाई इसको शेयर जरूर करो और जो भी आए लाइक जरूर करता चले जाए, पहले बता दे रहा हूं। देखिए तुम लाइक वाइक कम करते हो। ठीक चलो, कंपोज फाउंड इन ब्राजील इज अ ट्राइब, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रेडिशनल डांस और ट्रॉपिकल एनिमल। तो ये क्या है बेसिकली? ठीक है भाई, ये बहुत आसान सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। बेटा कंपोज जो है अगर इसकी बात करते हैं तो बेसिकली कंपोज क्या है, ये बेटा एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जिसे कहा जाएगा। ठीक है, कंपोज अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर काफ़ी सारे घास के मैदान पाए जाते हैं। ये बेटा रहा आपका, अगर हम दक्षिण अमेरिका बना देते हैं तो ये कुछ इस तरह से दक्षिण अमेरिका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा लानोस पाया जाता है। कौन सा बेटा? लानोस, जो वेनेजुएला में, ये बेटा कंपोज है। ठीक है, यहाँ पे बेटा पाया जाएगा ग्रान चाको, एक नाम और ऐड कर लीजिए। ठीक है, कंपोज, ये बेटा ग्रान चाको और बेटा ये लानोस। ठीक है, तो ये बेटा घास भूमिया है, ग्रान चाको थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लानोस, कंपोस और ग्रान चाको। ठीक है बेटा, इसे ग्रान चाको या ग्रान चाको भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चलो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द कोलकाता पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन गंगा सागर, बे ऑफ बंगाल, रिवर हुगली, रिवर भागीरथी, बताओ भाई। राधे राधे तंवर जी, हाँ जी लानोस वेनेजुएला में है, बिल्कुल है। और ग्रान चाको बेटा बेसिकली अर्जेंटीना में पड़ेगा। ग्रान चाको कहां पड़ेगा? अर्जेंटीना। ग्रान चाको अर्जेंटीना में। चलो
हाँ भाई, इस क्लास को बिल्कुल शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है वो हमसे जुड़ तो सकें। जल्दी से आओ, फटाफट आइए। क्या हुआ, आज टाइमिंग की वजह से कुछ गड़बड़ है क्या? कल बताया था है ना। हाँ बेटा, कोलकाता, कोलकाता रिवर बेटा हुगली पर है, ये याद रखना। देखिए, जब गंगा जो नदी होती है तो गंगा नदी के बेटा विभाजन हो जाता है बंगाल में आते आते, तो बेटा एक चली जाती है आपकी वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और एक चली जाती है बेटा बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहां पे इसे हुगली कहा जाता है, ठीक है, और यहां पे बेटा पद्मा कहा जाएगा, ये याद रखिए। गंगा के दो भाग हो जाते हैं, बट जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती है, तो बेटा हुगली, ठीक है, ये याद रखना, और बांग्लादेश में से पद्मा कहा जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, हुगली नदी पर ही कोलकाता बसा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट राहुल, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी नदी, बिल्कुल बेटा, विच कॉन्टिनेंट लीस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड, संसार में किस महाद्वीप पे सबसे कम जनसंख्या है? हाँ भाई, आज से तुम लोगों का त्योहार शुरू हो गया है, 31 अक्टूबर, आज हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, और हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। चलिए, अरे रोशन ओझा जी नमस्कार भैया, ऐसा नहीं, श्रीमन नारायण जी, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, पंकज यादव नमस्कार, मीनाक्षी चौधरी, हाँ जी गुड इवनिंग, आ जाओ। ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। द लीस्ट पॉपुलेटेड जो कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे लीस्ट पॉपुलेटेड है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलो, जितेंद्र कहते हैं सर सीटेट भरूं ना भरूं, 3 बार पास है, क्या करोगे 12 बार सीटेट, अब तो लाइफ टाइम है ना। आइए बताओ बेटा, गोम्पास फाउंड इन लद्दाख आर, गोम्पास क्या है, जल्दी बताएं। थे, ले मैं, थिक से, हाँ नॉट थे, थिक से शे ले मायरू, ये सब ये नाम याद रखना है, आसान सवाल है बेटा सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बहुत आसान सवाल है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जल्दी बताओ भाई। बताओ भाई इसका क्या होगा सही जवाब, वैरायटी ऑफ शॉल, क्या बात है, ये कौन है, वैरायटी ऑफ भेड़ है, सीरत झा, वैरायटी ऑफ बकरी, बकरी, क्या बात है, बोध गया, कहाँ कहाँ ये भाई, इसमें कहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है, यहाँ कंफ्यूजन किस बात का भाई, जितने भी गोम्पास होते हैं, मैंने ये नाम भी लिख दिए, थिक्से शे लेमायरू, ये नाम नहीं सुने बेटा, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ये बौद्ध मठ है, बेसिकली ये बौद्ध मठ सही शब्द होगा, ये गोम्पास जो है बेटा बौद्ध मठ कहे जाते हैं, जैसे थिक्से है, शे है, लेमायरू है, बेटा ये वहां के वो हैं। अब शॉल नहीं बेटा, देखिए यहाँ पे जो मैंने कल बताया था, एक एंटीलोप पाया जाता है, उसका नाम है चिरू, क्या नाम बेटा, चिरू, चिरू एक क्या है, एंटीलोप है, ANTELOPE, एंटीलोप, चिरू एक एंटीलोप है बेटा, ये हिरण जैसा एक जीव होता है, ठीक है, हालांकि इस समय ये लुप्त प्राय प्रजाति है, इससे ऊन प्राप्त होती है, एक मिलती है ऊन, जो ऊन होती है बेटा बहुत ही गर्म, एक तो गर्म होगी और हल्की होगी, ये बेटा ऊन मिलती है। अब इस ऊन को एक नाम दिया गया, इस ऊन को नाम दिया गया बेटा शहतूश, क्या नाम दिया बेटा, शहतूश, तो ये नाम दिया है इसको, क्या नाम दिया बेटा, शहतूश, तो ये याद रखना, शहतूश नाम की ऊन, ये ऊन का नाम है जो किससे मिलती है बेटा, एक चिरू नाम का एंटीलोप है उससे प्राप्त की जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ भाई, द डायग्राम रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रेनफॉल, प्री मानसून, साइक्लोनिक, कन्वेक्शन, ओरोग्राफिक, जल्दी बताओ। गुड इवनिंग अल्पेश राजपूत, बताओ भाई ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है,
बताएं बताओ। कोई बात नहीं, लेट हो गए। ओके सीरत, ओके कोई नहीं। डायग्राम रिप्रेजेंट ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शन रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, प्री मानसून रेनफॉल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जी रीना वर्मा बताएं, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट, बताओ भैया बताएं जरा, ये क्या बता रहा है? क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। नितेश फंसल, रजिया सुल्तान, रीना वर्मा, शाबाश, गुड इवनिंग निकी, बहुत बढ़िया। क्या बात है, कविता मिश्रा पूछ रहे क्यों तेजस्विनी, भावी शिक्षिका, बहुत बढ़िया। हाँ नमस्ते तो ले ली तुम्हारा, ये बताओ तेजू तेजा तेजा तेजू तेजा नाथ, क्या बात है भाई, क्या कहें तुम लोगों को। हाँ बोलो तेजस्विनी, क्या हुआ? ओलोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शन रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? अच्छा डायग्राम बड़ा कर दें, अब बताना बेटा, है ना। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ लिखा है इन्होंने, लिखा है कोल्ड एयर, ठीक है, और यहाँ लिखा है बेटा वार्म एयर, यहाँ लिखा है वार्म एयर, ठीक है। अब देख लो, अब तो डायग्राम दिख रहा है। हाँ शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया करके तुम लोग उत्तर देते हो, ये अच्छी बात लगती है ना, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बेटा बहुत अच्छे, ठीक है। अब आप लोग अपना इनाम तो लोगे ना, इतना बढ़िया उत्तर देते हो, गजब यार, मतलब कमाल करते हैं, शाबाश बेटा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है बेटा, ये नहीं है, बी नहीं है, जहाँ पे तुम लोग सब चले गए थे बेटा, इसका उत्तर होगा साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझ पाते हो, मुझे ये बता दो, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? हाँ बिल्कुल, लुटिया चली गई, डूब गई, ठीक है, लुटिया डूब गई, तुम लोग कहाँ गड़बड़ी कर जाते हो, तुमको ये नहीं समझ में आता कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। देखो ये लाइन मैंने हमेशा तुम्हें बताई है कि जब भी कभी धरातल अगर ये है और यहाँ पे बच्चों एक इंक्लाइंड स्लोप अगर यहाँ पे ये लाइन मिल जाती है, ठीक है, ये वाली लाइन, जब भी कभी ये लाइन इस तरह से दिखा दें, तो बेटा इसका मतलब क्या है, ये कुछ और थोड़ी है, ये आपका यही तो है, इसे आप क्या कहते हैं बेटा, ये वाताग्र है, इसे क्या कहते हैं, वाताग्र, या कहते हैं फ्रंट। तो बेटा फ्रंट एक ऐसा इंक्लाइन स्लोप होता है जहां पे दोनों प्रकार की रेखाएं जो है वो, सॉरी, गर्म और ठंडी हवाएं दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है, ये आपको बता रखा है, तो ये जरा ध्यान रखना था आप लोगों को, कहाँ गड़बड़ कर जाते हो, हैं, तुम लोग बहुत गलती करते हो भाई, इस तरह से गलती ना करो, इस तरह से गलती मत करो, ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलती ना करें आप लोग, ठीक है, गलत बात है ये, मतलब तुमको कितनी बार समझाया है, तो जब भी कभी इस कंडीशन आए कि यहाँ पे ठंडी हवा और यहाँ पे गर्म हवा, क्या मतलब हो जाता है, ये कौन सी हवा बेटा, ये गर्म हवा और ये ठंडी हवा, तो जहाँ कहीं दो बकरी शोभा की हवाएं मिलती हैं और किसी एक ढलवा सीमा के सारे जम, क्या कहते हैं, वाताग्र, ठीक है, तब चक्रवाती वर्षा का आगमन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, अब क्लियर है, चलो भाई, कटना था कट गया, बिल्कुल, ग्लास थाली लोटे सब डूब गई, हम कही रहे थे तुमसे, इसीलिए इतना आसान सवाल हद है, चलो नेक्स्ट। ये था, विच इंडस्ट्री इज ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, डियर सर सीटेट के लिए कोई नया बैच आएगा एप्लीकेशन पर? बेटा देखो ये सरी सर बता पाएंगे, संभावना तो बन रही है, ठीक है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आना है बेटा, सर धूप है सो क्वेश्चन नहीं देखोगे, क्या बात है, शाबाश बेटा, ऐसे ही धूप, अभी ऐसे आसान सवाल गलत करोगे तो कुटने काम करते हो तुम लोग। और बेटे टाइमर चल रहा है जरा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, गलत होने पर सर कितना प्यार से नाम लेते हैं, क्या बात है सर, आप आते नहीं थे ना क्लास में तो भूल गए, अच्छा चलिए बताओ किसको कहा जाता है, प्लीज सर एक बार क्लियर कर दीजिएगा, मैंने दिसंबर 2009 में सीजर क्लियर किया है, लाइफ टाइम, हाँ बेटा बिल्कुल रहेगा, सौम्य शुक्ला, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू है,
जो पिछले 7 सालों में जिन्होंने किया बेटा सबका है, ठीक है बेटा। जब भी देखें तो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री जो कहा जाता है वो किसे कहा जाएगा, पेट्रोलियम को, एनर्जी को, ट्रांसपोर्ट है स्टील, स्टील को, शाबाश, ट्रांसपोर्टिंग बेटा, ये ट्रांसपोर्ट को लाइफलाइन कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट को लाइफलाइन कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी, लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। स्टील जो बेटा वो आधुनिक उद्योग की रीढ़, बैकबोन कहा जाता है इस बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, बताओ भाई जैविक कृषि में लगाया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज यील्ड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज यील्ड, नेचुरल मैन्योर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड, ऑनली प्रोडक्शन ऑफ कॉटन हैज बीन अलाउड इन इंडिया। बताओ भाई ऑर्गेनिक खेती के लिए क्या होगा, जल्दी से बताएं। बताएं सब सीटेट में रजिस्ट्रेशन कर दिया, शाबाश, बहुत अच्छी बात है बच्चों। बस इतना ही याद रखना, ऑर्गेनिक, देखिए हम लोग हमेशा से क्या करते थे, हालांकि वो फोटो मेरे पास नहीं है वरना मैं घूरे का ढेर का फोटो भी लेके आया था, मैंने बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो रोड किनारे गांव के आगे घूर नहीं डाल देते हैं, घूर कहते हैं ना, घूर के भी दिन फिरते हैं, तो गांव का जो जो बेटा क्या कहते हैं गोबर वगैरह है उसे सुबह सुबह जाओ गाँव में निकल के, तो 6, 6:30, 7, 7:30 तक आप देखेंगे तो बेटा सब लोग लड़के हों लड़कियां हों, ठीक है, वो क्या कहते हैं सिर पे रख के गोबर को लेके रोड किनारे डालने जाते हैं, तो वो घूर इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है, गोबर डाल दिया तो धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक खाद में चेंज हो जाता। मतलब आज हम फिर से उसी प्राकृतिक तरीके से चले आ रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि भारतीय कृषि प्रणाली थी वो हमेशा से कह सकते हैं प्रकृति के अनुरूप थी, लेकिन बस बहुत तेजी सब कुछ चाहिए, नुकसान होना शुरू हो गया, तमाम तरह की बीमारी होती चली गई, आपने हैवी, मतलब हम देखते हैं कि बेटा जब भी HYV सीड, हमने HYV सीड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है उनका उपयोग किया, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया, ठीक है, हैवी इरिगेशन किया, सिंचाई के बहुत साधन उपलब्ध कराए। अब सिंचाई से क्या होगा बेटा, जमीन खारी होने लगी, साल्टी होने लगी, क्यों, कैप रिएक्शन के माध्यम से सॉल्ट ऊपर आने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर जो था जमीन में चला गया, पैदावार को उसने कम करना शुरू किया, कुछ समय बाद धीरे धीरे भूमि बंजर होना शुरू हो गई, HYV जो सीड हुआ करते थे अब ऐसे बेटा बीज आते हैं वो स्वाद ही नहीं बचा है, ठीक है, और भारतीय जो कह सकते हैं वायुमंडल या पर्यावरणीय दशाएं उनके अनुरूप नहीं है, जो भारतीय मृदा है उसके अनुरूप नहीं है HYV सीड, वैरायटी तो बढ़, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, उत्पादन बढ़ा, क्वालिटी घट गई। आप अगर कभी भी आप देखें हाइब्रिड कुछ भी चीज आप खाते हो, जैसे एक उड़द आते थे कभी, अगर आप उड़द साबुत उड़द कभी खाए हो, एक उड़द आता था देसी, उसका स्वाद देखिए और ये देख लीजिए, अरहर की दाल देसी और जो हाइब्रिड इस तरह की आ रही है, तो ये सब चीजें बदलती चली जा रही हैं। ये सब जो बेटा काम हुआ था ये 1960 के दशक में हुआ था, जिसे हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। अब हम फिर से उसी चक्र पे आते हैं बेटा, विकास का चक्र बिल्कुल घूमता हुआ फिर से वहीं पर आता है, कोई भी चक्र हो, ठीक है, तो अब हम फिर से आगे बोले प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाए, प्राकृतिक कीटनाशक हो, नीम का उपयोग बेटा हमारे यहाँ हजारों सालों से होता चला आ रहा है, प्राकृतिक खाद का उपयोग हमेशा से होता रहा, लेकिन वही चीज थी। खैर बिल्कुल सही बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा फूड सिक्योरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन गवर्नमेंट मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, ओके गुड, गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन ग्रेन एक्सपोर्ट फॉर मेंटेनिंग सफिशिएंसी, हाँ कई बार बैन लगा देते हैं, अभी निर्यात पे बैन लगा रखा है कुछ एक जगह, गवर्नमेंट इनकरेजेस टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड फॉर बेटर सिक्योर बेटर सिक्योर है फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल आर, ये क्या है, चलो बताओ भाई नेक्स्ट बेटा, खाद्य सुरक्षा के सब तय बनाई सरकार अगले 5 वर्ष के लिए, गुड, ठीक है, सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार रखना है के लिए बिल्कुल अभी लगाई है कुछ जगह पे, अनाज पे निर्यात रोक लगी हुई है, और खाद्य सरकार बेहतर सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए, वाह वेरी गुड, ये भी सही है, ये बनी रहती है ये, चलो बढ़ाओ भाई बताओ क्या होगा इसका उत्तर, पढ़ो जरा, ठीक है, तो बेटा घूरा होता है घूरा, हाँ घूरा कहते हैं गोबर कचरा वगैरह जो होता था ना, जैसे कुछ जानवर खाते भी हैं घास वास, वो कुछ नीचे भी डाल दे तो कुछ वापस डाल दिया, भूसा वगैरह हुआ तो कुछ उसका जो बचा हुआ रह गया, जब नीचे जानवरों को जगह से हटाया जाके कहीं दूसरी जगह बांधते हैं तो जानवरों के नीचे का जो गोबर वगैरह जो भी हुआ वो इकट्ठा किया, ठीक है,
और पतेल वगैरह लेके बेटा डाल देते थे, वो धीरे धीरे वो सड़ता रहता, डिकम्पोज हो जाती थी, अच्छी खाद बनती थी। कभी चले जाना खेतों में, कभी आपको जैसे ये दिखेगा तो ऊंचे ऊंचे डार्क ब्लैक कलर के, डार्क ब्राउन कलर के वो मिलते थे, कहते ना तभी तो कहा था कि घूरे के भी दिन फिरते हैं, यही था। बताओ भाई इसका क्या होगा उत्तर? देसी ये मिलावट आ रहे हैं वहाँ, बिल्कुल। अरे देसी चीज़ें बहुत अच्छी थी, खाद्य सुरक्षा। क्या होगा उत्तर सही? क्या बात है, तुम लोग कन्फ्यूज नहीं हुए? चलो डी पे जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो बेटा डी है कि खाद्य सुरक्षा बनी रहे, सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, यही बेटा मेन फूड सिक्योरिटी का पर्पज ही यही होता है। ठीक है, ये होता बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल? CNG, PNG, LPG, KG6। ये तो बेसन दे दिया। कंचन जी नमस्कार। हाँ घूरा लगाते हैं बिल्कुल सर हम, अरे हम भी खुद जानते हैं, है ना। वीडियो पता नहीं होगी नहीं होगी, इसमें तो नहीं है लैपटॉप, बदलना मैं आपको दिखा देता। फोटो भी लेके जानबूझ के आया था, मैंने कहा चलो आप लोगों को कम से कम वो घूरे वगैरह का फोटो तो, मैं इसीलिए लेके आया था इनको। इसमें चल नहीं चलेगा, चलो कोई नहीं, फिर कभी दिखा देंगे। सही बात है, असली भारत वही है। बताओ भाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बहुत आसान सवाल था ये तो, CNG है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट, बैरोमीटर। चलो ये भी बताते जाओ। ये तो पता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ मैं जानना था, ये तो सब जान रहे हो। ठीक है चलो ये बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो सही है बेटा। पायरोमीटर क्या मापते हैं, क्रायोमीटर क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर और फेदोमीटर से, जल्दी बताओ। एयर को मापने के लिए बेटा एयर प्रेशर होता है। अच्छा चलो, एयर प्रेशर मैक्सिमम कहाँ होता है ये कौन बताएगा? चलो ये भी बताओ, वायु दाब अधिकतम कहाँ, वायु दाब अधिकतम कहाँ पर होता है बताओ, वायु दाब अधिकतम कहाँ पर होता है? एक सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। देखो चार क्वेश्चन यहां बन गए, पांचवा ये हो गया इसी पेज से, चलो जल्दी बताओ। हाँ ये तो हो गया, वायु दाब अधिकतम कहां पर होता है? और बेटा ऊंचाई पर, ऊंचाई का वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी बताओ। ऊंचाई का वायु दाब पर क्या प्रभाव बताओ, क्या प्रभाव दिख रहा है ना, तो बताओ। बताओ कंप्रेस नेचुरल, हाँ भाई बताओ बेटा। हाइग्रो लिखा है, HYGRO, हाइड्रो का डी कहाँ लिखा है? समुद्र तल बीच पे। सी क्या बेटा, सी क्या? पायरोमीटर से क्या, पूरा लिखो, चारों का नाम लिखो ये। अच्छा चलो भाई, वायु दाब अधिकतम कहाँ हो गया, ये तो आ गया सी लेवल पे, सागर तल पे। चलो इनका बताओ, ये कौन बताएगा ये सब, ये कौन बताएगा ये भी तो बताओ। हाँ ये तो समझ में आ गया, सी पर वायु दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी बताओ। हाइट एयर प्रेशर डिक्रीज, शाबाश। ऊंचाई के साथ बेटा वायुदाब कम होता चला जाता है, शाबाश, घटता जाएगा, वेरी गुड। डिक्रीज घटता जाता है, शाबाश। चलो भाई ये दोनों हो गए, ये बताओ पायरोमीटर्स क्या नापते हैं? कम होगा, शाबाश। हाइग्रो ह्यूमिडिटी, चलो साहब ये आ गया आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, शाबाश। फेदोमीटर से वायुदाब कम होगा, शाबाश, वेरी गुड। ये बताओ पायरो और क्रायो, हाइग्रो है बेटा, हाइग्रो, HYGRO, हाइग्रो, ये बताओ जल्दी से बताओ। अरे 10th का सही हो गया, ये जो पूछे इनका उत्तर दो ना। शुभम बताओ भाई। हाँ
जल्दी से बताओ कहाँ रह गए तुम लोग आज? और तुम लाइक वाइक तो कर नहीं रहे हो, इतने कम लाइक रह के बैठे हो यार। बताओ। फैदोमीटर, सागर की गहराई। शाबाश, बिल्कुल सागरीय गहराई सही है। क्रायोमीटर, एक शब्द सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन, बट एक मूवी जरूर देखना, मैंने आपको कहा भी था कभी मौका मिले तो इस मूवी को जरूर देखना। रॉकेटरी, ठीक है। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई। पायरोमीटर बेटा नोट कर लो, वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे स्टार वगैरह का टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, ये याद रखना। क्रायोमीटर बेटा वेरी लो टेम्परेचर, यहीं से बना है क्रायोजेनिक टेक्निक, क्रायो वर्ड से वेरी लो टेम्परेचर। रॉकेटरी मूवी बेटा इसी क्रायोजेनिक टेक्निक का इंजन कैसे बनता है उसके लिए, ठीक है। चलो हाई, वेरी हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताओ। असरसन रीजन, अरे यार ये तो बहुत आसान है। इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन लंदन। इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच। बताओ भाई। उच्चताप, सर कौन सी मूवी अभी देखते हैं? रॉकेटरी देख लो, अच्छी मूवी है, मैं हमेशा कोई अच्छी मूवी बताऊंगा, खराब मूवी नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्रायोजेनिक, बिल्कुल क्रायो, क्रायोमीटर बेटा क्रायोजेनिक टेक्निक्स पे, ताकि जैसे ऑक्सीजन जैसे होता क्या ना, तो क्रायोजेनिक इंजन होता है, रेमजेट और स्क्रैमजेट, कई सारे इंजन आते हैं बेटा हम लोगों के, तो बना रहे हैं हम लोग। क्रायोजेनिक टेक्निक भारत को देना कहाँ चाहता था, तो डेवलप की गई है, तो जब क्रायोजेनिक टेक्निक को डेवलप किया गया तो क्या होता है कि बहुत कम खर्चे में, मतलब खर्चा आपका घट जाता है, और ऑक्सीजन जो फ्यूल वगैरह है बेटा उन्हें लिक्विड स्टेट में लेके जाया जा सकता है। रॉकेटरी ये बताओ हिंदी बेटा इसका। दोनों सही हैं, बस इतना याद रखना है कि भाई हम लोग जो है 5:30 अहेड हैं, वी आर 5:30 आवर अहेड फ्रॉम GMT, ठीक है, तो इसलिए बात सही है। चलो बेटा क्वेश्चन यहीं से ले लो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जरा सही से जवाब दीजिएगा, बहुत बच्चों सोच समझ के इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई बताओ जरा। एटी टू एंड हाफ डिग्री वेस्ट पर टाइम हो रहा है 10:30 AM, ठीक है, बहुत आसान। 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा, टाइम बताओ जरा यहाँ का, ये टाइम कैलकुलेट करके जल्दी से बताएं, जल्दी से अंतर बताएं, कितना टाइम हो रहा होगा बेटा, जल्दी बताओ। हाँ रॉकेटी द नंबी इफेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है, व्याख्या सही है। अब ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पर बेटा 10:30 बज रहे हैं, यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, चलो 10:30, चलो 10:30 ही बजा दिए अब तो, जी हाँ। अब टाइम, अब उत्तर दो, सी उत्तर सही है, वो मैंने देख लिया, ठीक है। अब ये बताओ, वो बिल्कुल सही है, ये बताओ ना जो पूछा है मैंने, अब 82.5 डिग्री वेस्ट पे टाइम इतना हो रहा है, तो ओ 8.5 डिग्री नहीं बेटा, ये भी 82.5, क्षमा कीजिए, ये भी कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट यहाँ पे, साढ़े व्यासी ईस्ट, 8.5 ईस्ट नहीं था, ये बताओ 82.5 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा, 82.5 डिग्री वेस्ट तो 82.5 डिग्री ईस्ट, जल्दी बताओ। 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा, बहुत आसान है। अच्छा कितने कितने उत्तर दिए आपने, किसी ने बताया 12.5, किसी ने बताया 6.5, 12.5, 4.5, 6.5, 12.5, 10.5, 4.5, 12.5, 9.5, 12.5, शाहरुख खान है, अशोक राणा है, हाँ चलो ये बताओ तुम लोग, 5वीं बजा दी, रोशन हो जा, हाँ बेटा ईस्ट, गब्बर इज बैक, बताओ शुभम कहाँ, कन्फ्यूजन जानता था तुम लोग, कन्फ्यूज आ जाओगे, 6 कहाँ से बजाओगे यार, कितने घंटे आगे जा रहे हैं,
कितने घंटे समय आगे या पीछे, ये बताओ कितने घंटे आगे जाना है। चलो बेटा कितने घंटे का अंतर है बताओ, कितने घंटे का अंतर है जल्दी बताओ, बताएं आप लोग कितने घंटे का अंतर है जल्दी बताओ। कौन है ये राहुल? हाँ 10 कैसे आए थे, 11 घंटे नहीं होंगे? तो 11 घंटे का अंतर है तो क्या टाइम हो रहा होगा, 9:30 नहीं आएगा इसका उत्तर? 9:30 PM, ये बेटा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है चलो, अरे पीछे नहीं बेटा, 11 घंटे आगे हो तुम, वेस्ट से ईस्ट में आ रहे हो, 11 घंटे आगे हो, तो बेटा यहाँ पे ये टाइम हो रहा होगा सुबह के, जहाँ 10:30 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है 10:30 डिग्री वेस्ट पे, यहाँ पे 9:30 होगा। ये देख लेना अभिषेक मिश्रा भाई, अभिषेक का जवाब दो। देखो तो 9:30 PM हम लोग आगे होंगे, ठीक है ये बेटा 22:30 डिग्री ईस्ट, भारत का ही तो पूछ लिया, हे भगवान कहाँ हो तुम लोग। चलो ये बताओ, कंसीडर स्टेटमेंट ABC ऑन द टाइम जोन एंड चूज द करेक्ट आंसर। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट सो दैट दे एडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। ओके द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच, ईच टाइम जोन कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है तो एक तो ये है, तो इसमें ए बी करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, ए और सी आर करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, और तीनों करेक्ट हैं। लो भी पढ़ लो, हिंदी वाले पढ़ लो। चलो सर थोड़ा बता दीजिए फिगर से, इसमें बेटा फिगर से। चलो एक दिन इसका टाइम का क्वेश्चन क्लास लेंगे, उसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है ये बताओ, ऑल बिल्कुल सही है बेटा, कुछ देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है तो वहां एक से अधिक सम मानक समय अपनाएंगे, बिल्कुल सही है। एक एक घंटे 24 समय, बिल्कुल ठीक है। 15 देशांतर का होता है बेटा, तीनों ही सही है। ठीक है देखो होता क्या है कि अर्थ जो है वो 24 घंटे में अपने एक्सिस पे पूरा घूम जाती है, तो कितना घूम गई बेटा, 360 डिग्री घूम गई। 12 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाएगी बेटा, 180। ठीक है 6 घंटे में 90 डिग्री, और बेटा 1 आवर में 15 डिग्री अर्थ घूम जाती है। तो ऐसे ही हर 1 घंटे का एक टाइम जोन मान लिया और 1 घंटे में 15 डिग्री ले लिए, खत्म। चलो सही बात है, नेक्स्ट बेटा। अरे यार ये तो बहुत आसान है, चलो बता दो। हाँ सभी सच्चे हैं बेटा। चलो ये बताओ, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमोसफेयर लेयर बींग फ्रॉम अर्थ सर्फेस, बताएं भाई। ये तो आसान, बताएं बेटा 13 क्वेश्चन। आज तुम कल टाइम बताया था, तुम लोग आज टाइमिंग की वजह से गड़बड़ हो गए, बच्चे कहाँ चले गए सारे, कोई क्लास व्लास चल रही है क्या? एप्लीकेशन पे देखें जरा, समझ नहीं आ रहा, बच्चों को बताया था कि भाई मिलिएगा सुबह और शाम को 5 बजे, फिर भी तुम लोग नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? यही कोई क्लास ही नहीं है मेरे अलावा, तो कोई क्लास ही नहीं आप लोगों की। बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ट्रोपो स्ट्रेटो मीजो थर्मो देन एक्सो। ठीक है बेटा हिंदी अनुवाद थोड़ा सा गंदा है, छो मंडल समता भयंकर, ये याद रखना, कोई नहीं बेटा। देखो आप लोगों के लिए दिवाली ऑफर, आज देखिए आप टाइमर आप देख रहे हैं, 6 घंटे 24 मिनट तकरीबन कुछ बेटा समय रह गया, बहुत कम रह गया है टाइम आप लोगों के पास में। ठीक है तो ये कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग अवेल करें, तो ये बेटा फ्लैट 75% ऑफ है, और आपको कोड यूज़ करना है बेटा दिवाली 75, तो सी टेट पेपर 2 624, सी टेट पेपर 1 क्रांति बैच, इसे पर बहुत कम टाइम, NVS बेटा 499, ये फीस देखिए काफ़ी कम, 75% ऑफ। ठीक है LT ग्रेड, सुपर टेट, सफलता, संगम, VOD बैच और NVS बैच, और ये केवल आज ही ऑफर है। ठीक है और उसके साथ साथ बेटा कुछ और हमारे हैं, जैसे DSSB का जनरल पेपर, आचार बैच और संगम बैच, उसमें बेटा ये 499,
यूपी एल टी ग्रेड, यूपी टी जी टी पी जी टी कॉमर्स बैच भाई अभिषेक सर, तो बेटा ये 1125 रुपीज़, कोड वही दिवाली 75, सी टेट पेपर वन पेपर टू कॉम्बो, तो बेटा ये कोई लेता है तो 875, और यूपी टेट 499, DSSB 999, और बेटा कॉम्बो यूपी टेट पेपर वन और पेपर टू आचार बैच, तो बेटा ये 750। वही तारीख आज ही है, आप देख रहे हैं टाइमर 6 घंटे 23 मिनट और लगभग 20 सेकेंड, ठीक। और बेटा ये बुक भी है तो आप इसे लिख सकते हैं सुपर टेट के लिए, प्राथमिक सहायक, प्राथमिक शिक्षक सहायक प्राध्यापक, प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर्स भी हैं, ठीक है। चलिए भाई इसे जल्दी से अवेल करें। तो नेक्स्ट ये बताओ, चलो अब आ जाते हैं हम इधर। सर अभी गढ़ आए हुए मेला देखना, अच्छा ये गढ़ मुक्तेश्वर, चलो भैया देखे आओ मेला ही देख लो। गुड इवनिंग पूनम, ठीक है बेटा। किस प्रथम बेटा क्या क्या होता है ये सब चीज याद रखो, चलो अच्छी बात है जिस दिन तुमने कर दिया है। ये बताएं मेजर कंस्टेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। ना ना अभी क्वेश्चन खत्म कहा हुआ है रोशन, कमाल कर रहे हैं। ये बताओ बेटा, देखो सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन है 78%, ये याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन बेटा सबसे ज्यादा है 78%, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कुछ बताना था ही नहीं। नेक्स्ट, ओशनिक करंट के बारे में बेटा कौन सा, द कोल्ड करंट कैरीज वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड, द लेब्राडोर इज अ वार्म करंट, एरिया वेयर वार्म, बताओ भाई। ये तो ये सवाल शायद दोबारा पूछा गया है, फिर से पूछ रहे हैं, बताओ। अच्छा बेटा एक चलो सवाल है मेरा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रस्ट, जरा बताओ जरा क्या होगा, जल्दी बताओ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन क्रस्ट। हाँ बात तो सही है, चलो ये बताओ ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन क्रस्ट क्या होगा, क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या, बताएं। ये तो सही है, क्या क्या सही है, लैब्राडोर एक ठंडी नहीं बेटा, ये लैब्राडोर गर्म नहीं एक ठंडी धारा है, ये बात याद रखना। हाँ ये सही, सब मत्स्य क्षेत्र माना जाए तो ए और सी तो सही है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये बताओ पूनम गौतम का है, ये बताएं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द क्रस्ट, अरे ये तो बता दो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द क्रस्ट क्या है, तुम लोग बड़ा कन्फ्यूज, चलो बताना जरा कमेंट बॉक्स में। ये बताओ द डिपोजिशन फीचर, डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज, बताओ सी के मोर एंड लोएस लेविस, लेविस ये किसका है, सी के कौन किसका ये भी बताते चले, बताओ। हाँ लैब्राडोर ठंडी है, बिल्कुल सही है। अमन कुमार मेटल क्या बेटा, हाँ पूरा ऑर्डर बताओ, ऑर्डर जो जो तत्व पाया, शुरू के चार तत्व बताओ, चलो चार ही बता दो, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, रोशन ऊर्जा, कुछ भी, कुछ भी, कहां से पढ़े बेटा, हमने तो नहीं बताया। क्या हुआ पूनम गौतम, कौन सा इनका कमेंट है, इतना टाइप करा तुम का बोल रहे, बताओ प्लीज भाई, बताए बताओ। मोरेन बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। सी केव जो है वो कैसा है, वो इरोजनल है, किसके द्वारा बेटा, सी वेव्स, मोरेन डिपोजिशनल है, लोयस बेटा ये भी डिपोजिशनल है भाई, विंड, लेवीज ये भी डिपोजिशनल है भाई, रिवर, ठीक है ये याद रखना, मोरेन डिपोजिशनल है किसके द्वारा भाई, ग्लेशियर। तो सही उत्तर क्या हो गया बेटा, ये मोरेन हिमो, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये बताओ इसका क्या होगा सही जवाब, मैंने इसके बारे में आप लोगों को खूब पढ़ाया है, जल्दी बताओ जरा
इसका क्या होगा सही जवाब? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होना है? ए और बी, 50 जिससे 70 डिग्री, इन्हें टैगा भी कहा जाता है। कई बार आप लोगों को बताया गया है टैगा। किस तरह की बेटा वनस्पति पाई जाती है? वेजिटेशन, किस तरह का वेजिटेशन को हम कहेंगे ये बताओ जरा। जल्दी बताओ। टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ये सब। अच्छा एक काम करना आप लोग, जो एनसीईआरटी है बेटा, इसमें जो एक आपका जो 7th क्लास की है एनसीईआरटी, उसका बेटा जो है मैं बता दे रहा हूँ आप क्या करोगे। इस टॉपिक को वही मैं देख रहा था, आप लोगों को बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बेटा हर हाल में आता है बेटा। 7th क्लास और बेटा एनसीईआरटी, इसका नाम है बेटा हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। इसका बेटा ये टॉपिक जो है 6th टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th टॉपिक, ये 6ठा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है प्राकृतिक वनस्पति और ये वन्य जीव। ठीक है, तो ये आप लोग इसे जरूर पढ़ो बेटा, इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी कुछ दे रखा है। ठीक है, इसीलिए कह रहा था इसे जरूर पढ़िएगा। टैगा कहते हैं किसे कहेंगे? हाँ टैगा, बिल्कुल सही। कोनीफेरस, बिल्कुल सही बेटा, बस यहां याद रखना कोनीफेरस। 50 से 70 डिग्री, लेकिन कहाँ बेटा? नॉर्थ हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है इनकी। ठीक है, तो ये शंकुधारी वन, साउथ में तो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये बताओ, ऑक्सबो लेक, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चापझिल चिन्हित है, मैदानी क्षेत्र में डेल्टा, बताओ भाई इसमें कौन कथन सत्य नहीं है? हाँ शीतोष्ण कटिबंध पर्णपाती मानसून होते हैं, बिल्कुल सही कहा। नो सॉरी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को ही हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कोई मेरा कमेंट नहीं देखा फिर से? अरे भाई पूनम, तुम कहाँ लिखी पता नहीं चला। अनुज कुशवाहा, सर यूपीटेट के बैच बेटा वैसे तो पुराना बैच चल रहा है, नया बैच आएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या आज एस टेट के बैच लेने के लिए हमको दिवाली कोड लगा के लेना है? एस टेट के बैच 151 के बेटा, उसके लिए नहीं है, वो आधार बैच के लिए नहीं है। ना ना, उसमें 75% ना बेटा, वो आधार बैच जिन कोर्सेज के मैंने नाम लिए हैं केवल उन्हीं कोर्सेज के लिए पूनम। ठीक है, जिन मतलब 151 रुपए का आधार बैच वाला जो दे रहे हैं वो तो अलग है, एमसीक्यू बैच जो है आधार बैच वो अलग है। ठीक है, जिन कोर्सेज के मैंने नाम लिए केवल वही कोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, कर्तन और दहन कृषि यहाँ पे नहीं की जाती है। ठीक है, स्लेशन बर्न बेटा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये आपके खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में होती है। अच्छा ये तो ट्रक जो तैराक है डेड सी में तैर सकते हैं, क्यों तैर सकते हैं ये बताओ। देख लिए तुम्हारा, ठीक है कि 151 का उसे 75% ऑफर, क्या बात है यार, गजब। वही तो कह रहे हैं, अब 151 रुपये में भी बेटा कोड लगवाइए, क्या करें। अरे कम से कम कुछ तो बेटा ध्यान रखो। चलो देखो, एक बात याद रखना बेटा, जो तैराक डेड सी में तैर सकते हैं, इसके जो लवणता है वो 245 पार्ट्स पर 1000 है। ठीक है, तो घनत्व तो अधिक हो जाता है, इस वजह से बेटा ये मानवीय शरीर का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए बेटा ये तैरने लग जाते हैं व्यक्ति। ठीक है, लेकिन ऐसे तैरना मतलब बेटा मिट्टी का लेप लगा के तैराया जाता है वहां पर। ये बताओ, भूमि उपजा से भूमि का उपयोग केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, भूमि। हाँ ये बताओ भाई इसका क्या होगा? 245 है। चलो ये बताओ 20th का,
जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अच्छा चलो भाई, भूमि उपयोग। देखो भाई, भूमि उपयोग के लिए अगर हम देखते हैं तो भूमि का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं? केवल कृषि वन के लिए नहीं है बेटा, चारागाह के लिए कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, आवास के लिए भी कर रहे हैं, तो केवल ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये स्थल गति के द्वारा बिल्कुल निर्धारित होता है, तो ए बेटा गलत है और बी सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ शेल्टर बेल्ट्स ये बेटा किसमें मदद करेंगे, ये बताएं। चेकिंग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर ओवर सॉइल, प्रिवेंटिंग गलीज एंड हेंस फर्दर सॉइल लॉस। बताओ भाई, शेल्टर वेयर। शीट इरोजन, रेल इरोजन और बेटा गली, देन बेटा से बनता है रेवराइन। ये होता रक्षक मेघलाएं, गुड इवनिंग रूबीना। कोई बात नहीं, बोलना 21वां प्रश्न बेटा। देखो सेल्टर बेल्ट्स को जब भी आप पढ़ोगे तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं बेटा, इसको यहां से समझो कि ये जो है यहां पे, जैसे ये खेत बना तो खेत के चारों ओर जो है हम लोग क्या करते हैं, खेत के चारों बेटा पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो पेड़ जो क्या करते हैं वो मृदा अपरदन को रोकते हैं, पवन की गति को रोक देते हैं, तो इससे ये हो जाता है। तो बेयर जो सॉइल होती है, अपर कवर जो है उसको रोक रहा है, डी नहीं है ए होगा, ये याद रखो। ठीक है, शेल्टर रक्षक मेखला है बेटा। देखिए बारिश के कारण सबसे पहले ऊपरी परत हट जाए तो उसे शीट कहेंगे, थोड़े छोटे छोटे जैसे ये परत हटी, अगर छोटे छोटे चैनल बनेंगे तो उसे रिल्स कहेंगे, यही चैनल बेटा और गहरे हो तो उन्हें गली कहना शुरू कर देंगे, और हो गए तो वहां खड्ड खड्ड बन जाएंगे, चंबल नदी ने बना रखे हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ ने काम कर ही रही है। चलिए बताओ, सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को कौन निर्धारित करता है? बताओ बेटा, डी नहीं होगा। अवनालिकाएं इससे थोड़ी बनती हैं, अवनालिकाएं जो है बेटा वो किससे बनती है, नदियों के द्वारा बन रही है। ठीक है, वहां पे रक्षक मेखलाएं काम नहीं करेंगी, और तो भयानक अपरदन होता है, बड़े बड़े खड्ड महाखड्ड बन जाते हैं ना। ये बताओ, व्हाट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल? बताओ भाई, इसका बताइए। थिकनेस ऑफ सॉइल मतलब सॉइल कितनी मोटी है, क्या रहा, किस तरह से। बिल्कुल सही, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। इसका बी ऑप्शन होगा समय। बेटा समय जितना ज्यादा लगेगा तो सॉइल की थिकनेस उतनी ही ज्यादा होती चली जाती है। शाबाश। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक, एबायोटिक, लोकलाइज। बताओ भाई, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। मुद्री के समान, चलो भाई सही है। ये बताओ, समय होता है, बिल्कुल सही है। समय, बताओ भाई। बताओ भाई, हाँ भाई तुम्हारा टाइम जरूर आएगा। ये बताओ, ये सवाल मुझे लगता है तुम लोग गलत करने जा रहे हो। देखो भाई, याद रखो कि कहाँ कहाँ वर्गी मतलब किस जगह वितरण के स्थान पर, ऐसे संसाधन जो सभी जगह व्याप्त हैं और जो कुछ कुछ खास जगह पर, तो ये नहीं होगा यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड, कहाँ कंफ्यूजन है हमें भाई। चलो नेक्स्ट, विंड वेन वाग दिग्दर्शी बेटा किसके लिए, कहाँ किस को मापने के लिए करते हैं? बिल्कुल सही राहुल, वितरण के आधार पर डी होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन।
विंड वेन इज यूज फॉर मेजरिंग व्हाट? वात दिग्दर्शी का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बताइए। बताएं। जब नामी है वाक् दिग्दर्शी तो इसका डी कैसे हो जाएगा? हाँ डी तो है। हाँ ठीक है। विंड वेन 24 का ये कौन अभी? शुभम कुमार। एयर टेम्परेचर विंड वेन, वेरी गुड। दिशा मापी जाती है यार, वायु की दिशा को मापने के लिए होता है। ठीक है, क्या कहें। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, बताओ। ये तो बहुत आसान है बेटा, रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन कहां से होता है? तो ये सब याद रखिएगा, रेडियो वेव्स का ट्रांसफर मेनली होता है बेटा थर्मोस्फीयर। ठीक है, और अगर थर्मोस्फीयर ना दे रखा हो तो आप आयन मंडल भी लगा सकते हैं, आयनोस्फीयर। ठीक है, चलिए भाई, तो एक बार फिर से जो कन्फ्यूजन है मैं उसे दूर कर देता हूँ। तो दिवाली धमाका ऑफर है, एग्जाम पर जो टीचिंग स्कूल जो है वो आज आप देख रहे हैं, बहुत कम समय रह गया, 6 घंटे 7 मिनट रह चुके हैं। तो भैया जल्दी से जल्दी अपने साथियों को बताएं इस ऑफर का लें लाभ। ठीक है, तो दिवाली 75 करें कोड यूज। और किन किन कोर्सेज पे ये क्लियर कर लूं मैं फिर से, देखो बेटा सीटेट पेपर 2 एक तो ये है, सीटेट पेपर 1 क्रांति बैच इसमें मिलेगा, एनवीएस 2022 का जनरल पेपर बैच उसमें है ऑफर, यूपी एलटी ग्रेड सुपरटेट सफलता या संगम वीओडी बैच एनवीएस 2022 बैच, और बेटा ये बैच है हमारे DSSSB जनरल पेपर आचार्य और संगम है जो जनरल पेपर के लिए, यूपी एलटी प्लस यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स बैच अभिषेक सर के द्वारा इसमें ऑफर है, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 कॉम्बो यहाँ पर है, यूपी टेट DSSSB और बेटा कॉम्बो यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 और आचार्य बैच इसके लिए ये है ऑफर। तो बेटा ये फ्लैट 75% ऑफ है, बहुत कम समय रह चुका है, 6 घंटे 6 मिनट तकरीबन रह चुके हैं। तो भैया इस ऑफर को जल्दी अवेल करें, जल्दी इसे लें। ठीक है, अपने साथियों को बताएं। ठीक है, क्योंकि ये ऑफर बहुत सीमित समय तक के लिए है। चलिए भाई, बाकी आप हम लोगों को और एक काम करें भैया, एग्जाम पर ऑफिशियल जरूर डाउनलोड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई, तो और कुछ बताने को बचा नहीं, तो ये भैया रहा ऑफर। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थोड़ा ध्यान दें आप लोग। ठीक है, और क्वेश्चन को बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, चलो बाकी एक अभी वो आप लोगों से एक बात करने हैं। ठीक है, कुछ बात करते हैं कि किस तरह से बेटा ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी एक जूम सेशन भी रखेंगे। ठीक है, जो क्लास के बच्चे हैं एप्लीकेशन के।